दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई शादीशुदा औरत आपको इग्नोर कर रही है तो क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे औरत आपके पीछे पड़ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अगर आपने फॉलो किया तो भाव खाने वाली औरत आपके पीछे पड़ जाएगी। तो दोस्तों, क्या है वो तरीका, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औरत के बारे में, और ये भी जान लेते हैं कि वो इग्नोर क्यों करती है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो औरत आपको इग्नोर करती है वो आपको जानने वाली होगी या एकदम अनजान होगी। तो जानने वाली औरत के साथ क्या करना चाहिए और एकदम अनजान औरत के साथ क्या करना चाहिए, जो कि हमें भाव देती थी लेकिन अब नहीं दे रही है। नंबर एक, दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि औरत आपको इग्नोर क्यों करती है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। इनमें से एक वजह तो ये भी हो सकता है कि कोई जान पहचान की औरत जिससे आपकी बातचीत होती हो, वो अगर आपको इग्नोर या अनदेखा कर रही हो सकता है कि वो आपसे किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर या अनदेखा कर रही है। और एक वजह यह भी हो सकता है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए सबक सिखाना चाहती हो, इसीलिए आपको इग्नोर या अनदेखा कर रही है। या फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि वो आपको चेक कर रही हो, इसीलिए इग्नोर कर रही है। बहुत बार औरतें किसी से पटने से पहले या किसी से सेट होने से पहले दो चार दिन उसे इग्नोर करके चेक करती है। नंबर दो, दोस्तों अगर आपको कोई अनजान औरत जिससे आपने अभी तक बातचीत नहीं किया, ऐसी औरत आपको पहले बहुत भाव देती थी लेकिन अब आपको वो इग्नोर या अनदेखा कर रही है, वो इसकी वजह कुछ सही नहीं है। क्योंकि जब औरत किसी लड़के को सेट करने के लिए भाव देती है तो इसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम के अंदर अगर आपने उस औरत के साथ बातचीत शुरू नहीं किया या उसका नंबर आपने नहीं लिया, तो औरत को ऐसा लगता है कि आप एकदम लल्लू हो, आप में हिम्मत नहीं है या फिर आप में दम नहीं है, ये सब बात आप नहीं कर सकते। तब वो आपको धीरे धीरे अपने नज़रों से दूर करने लगती है, आपको इग्नोर या अनदेखा करने लगती है। और इसके बाद आप कितना भी कोशिश करने लगो, आप उसके नज़रों में वापस नहीं आने वाले हो। नंबर तीन, दोस्तों अब आते हैं इस पॉइंट पर कि जब आपको औरत इग्नोर कर रही हो तब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको उस औरत को जेलस फील कराना है। वो आप कैसे करोगे वो भी बताते हैं। दोस्तों, औरत अपने आप को बहुत चालाक समझती है और वो चालाक होती भी है, लेकिन अगर आपसे आपने औरत की सोच से थोड़ा आगे की सोचना शुरू कर दिया तो औरत की चालाकी कोई काम की नहीं हो जाएगी। दोस्तों, औरत अगर आपको जानती है, आपके जान पहचान की है, उससे आपकी बातचीत होती है, ऐसी औरत अगर आपको इग्नोर करती है, अनदेखा कर रही है, तो आप समझ जाइए कि औरत आपसे तेज चल रही है। आपको इग्नोर या अनदेखा कर रही है तो आप जितना खुश तब रहते थे जब औरत आपसे बात करती थी या आपकी बहुत ज़्यादा भाव देती थी, उससे दोगुना खुश आप तब रहने लग जाओ जब औरत आपको इग्नोर या अनदेखा कर रही है। इससे औरत का पैतरा औरत पर ही भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि औरत आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दे या यहाँ वहाँ भागने लगे, किसी दूसरे लड़के के पीछे भागने लगे, तो आप एकदम हल्का सा मैसेज डाल दो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगर औरत आपसे बात करती है तो अगर आपने इतना कर दिया तो औरत पानी पानी हो जाएगी और औरत की चाल उस पर ही भारी पड़ जाएगी। तो ये टिप्स था उन लड़कों के लिए जो औरत से बात करते हैं। नंबर फोर, दोस्तों अगर आप औरत से अभी तक बात नहीं किया है, उसके पहले औरत आपको बहुत भाव देती थी, आपकी तरफ खूब देखती थी, लेकिन अब औरत ने आपको देखना बंद कर दिया या वो आपको इग्नोर कर रही है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो काम है औरत को जमकर इग्नोर करना। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि औरत आपको इग्नोर कर रही है और ऐसी सिचुएशन में आप औरत को और भी ज़्यादा भाव दोगे तो उसके भाव इतने बढ़ जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में पटाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी सिचुएशन में औरत को
फुल टू इग्नोर करो। आपको इग्नोर करने से क्या होगा कि जब किसी खूबसूरत औरत को कोई लड़का इग्नोर करता है तो खूबसूरत औरत का ईगो हर्ट होता है, और जब औरत का ईगो हर्ट होता है तो औरत उस लड़के के पीछे पड़ जाती है उस लड़के को सबक सिखाने के लिए। औरत तो लड़के के पीछे सबक सिखाने के लिए पड़ जाती है, लेकिन सबक सिखाने के चक्कर में औरत उस लड़के से ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पढ़ाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।